मम्मी डैडी को गुजरे हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं आपसे अब कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? लाइबा और वकास ने शादी का फैसला किया है। और मैं इनके फैसले की तायद करता हूं। और मैं तरदीद मामी, मुझे नहीं लगता कि जिद और बहस से कुछ भी होगा। मैं वकास से मिल चुका हूं, वो बहुत मुखलिस और संजीदा नजर आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वक्त उसके घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लाबा को अपने घर की इज्जत समझ के कबूल कर लेंगे। और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। एक बात मेरी जरा गौर से सुनो तुम दोनों और समझ भी। अगर मैं रायान जैसे बेटे से ताल्लुक तोड़ सकती हूं तो लाइबा तुम्हारी नाफरमानी पर मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूं। मैं मरकर भी नहीं भूल सकती किस तरह वो तुम्हें ठुकरा कर हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर चले गए थे। तुम्हें लगता है कि अब वो तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाएंगे? नहीं, अब मैं उनको दिखाऊंगी कि अगर सूरज कहीं गुरूब होता है तो कहीं और तुलू भी होता है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता उनसे ऊंचे और बड़े घराने में करके दिखाऊंगी। मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए सिवाय नेक नियति और मोहब्बत की। मैं दुनिया के चेहरे देख चुकी। वो शर्मिंदा था इसीलिए मेरे पास वापस आया। अब मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारी बेइज्जती तब हुई थी जब हम करप्ट, बेईमान, समीर फरोश साबित हुए थे। बस साहिबा, बस। मैं देख रही हूं कि तुम बहुत जबान दराज होती जा रही हो और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि किसका जहर तुम्हारे अंदर बोल रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे डसने की कोशिश मत करना। तुम दोनों नाकाम हो जाओगे। रिलैक्स, अभी वो बहुत सिवियर डिप्रेशन में है। हमें उनके साथ बहुत प्यार और खुलूस से पेश आना होगा, जिससे कुछ नहीं हासिल होगा।
आप मम्मी को नहीं जानते जितना मम्मी को मैं जानती हूँ। मोहब्बत प्यार मम्मी पे ये सब चीजें असर नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। आप कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं। हुस्ना, मुझे तो समझ नहीं आती कैसी औरत हो तुम। अरे तुम्हारा दिल नहीं कांपा? तुम जरा नहीं घबराई ये सब कुछ करते हुए? मैं तुम्हारी सगी खाला थी, नासिर तुम्हारा शौहर था। कैसे तूने उसके सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए, घर का सौदा कर दिया तूने, हमें सड़कों पे दरबदर ले आई तू। क्या समझती है तू खुश रहेगी? कभी खुश नहीं रहेगी तू। हमारी बद्दुआएं आहें लगेगी तुझे। खाला, आपने कभी सोचा कि आपको किसकी बद्दुआएं लगी हैं जो इस हाल पे पहुंची हैं? और आपका जवान बेटा आज इस हाल पे पहुंचा, कभी इत्मीनान से बैठ के ना सोचिएगा इस बारे में। अरे हमने किसी का क्या किया? किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के घर पे गासिबाना कब्जा नहीं किया, हमें क्यों बद्दुआएं देगा? कितनी भोली है ना आप खाला। आपका बेटा कमरे में बंद खिड़की बंद दरवाजों के पीछे क्या करता रहा? बेखबर बैठी रही, आपके सामने नोटों के ढेर लगाता रहा, एक बार भी ये सोचने की जहमत गवारा किया आपने कि सारा पैसा आ कहां से रहा है? क्या कहना चाहती हो तुम, खुल के कहो। मेरी जबान अगर बंद रहे ना तो ज्यादा अच्छा होगा खाला। अगर ये खुल गई ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सारी जिंदगी मुसल्ला बिछा के खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार भी करती रही ना आप, तो वो भी आपको माफ नहीं करेगा। सुनना चाहती है ना कि आपका बेटा क्या करता है? वो एक घटिया दो नंबर इंसान है। जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की। अरे ये हरीम तो एक छोटा सा मोहरा है जो गलती से हमारे सामने खुल के आ गया। मासूम लड़कियों को दिन रात ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटता रहा, और आप उन्हीं पैसों पे जा जा के उम्रें करती रही, इबादतें करती रही अपने दलित दर दूर करने के लिए। बकवास कर रही है तू, तोहमत लगा रही है मेरे बेटे पर, अपना आप छुपाने के लिए बकवास कर रही है तू। ऐसा नहीं हो सकता।